जय श्री बजरंग बली का नारा लगा दिया है बजरंग पुनिया ने। ये जीत कितनी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए? देखिए, काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरा पहला मुकाबला मैं लॉस हो गया था, उसके बाद मैंने अभी वापसी करी है और मेरी टीम के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत मायने थी ये जीत, क्योंकि अगर मैं जीतता हूँ तो हम मैच जीतते हैं और मेरे लिए क्योंकि मैं पिछली हार का अपना जो मेरा हार का सिलसिला था मैं उसको तोड़ के जीत में बदलना चाहता था, तो मैंने काफ़ी अच्छा गेम किया और मैंने जीत हासिल की। और ये जीत का श्रेय अपने कोच साहब योगेश्वर जी को कितना दोगे? सारा ही उन्हीं का है क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब उनके पास आया था, तो बचपन से ही मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरे कोच हैं, गुरु हैं, बड़े भाई हैं, हर तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं, साथ में रूम पे भी और मैं ट्रेनिंग पे भी। अभी मैं 15 तारीख का मैच खेल के मैं सेंटर में गया था तो वहाँ पे जो मैंने गलतियाँ की थी वो बताई मेरे को कि आप ये गलतियाँ करें हो ये ना करें, और उसका परिणाम मैंने देखा क्योंकि आज मैंने बाउट में गलती नहीं की। एक बार मैंने पैर पकड़ाया तो उसमें मैंने 2 नंबर गवाए अपने खिलाफ, अगर मैं वो पैर नहीं देता उसके तो 2 नंबर भी नहीं होते शायद, तो मैंने यहाँ पे एक गलती करी है और कल मैं सेंटर पे जाऊँगा तो मेरे को ज़रूर बताएंगे कि भाई आपने ये गलती करी है इसको सुधारिए। सबसे अमेजिंग बात ये है कि गुरु शिष्य का ये जो रिलेशनशिप है, गुरु ने वो कैटेगरी ही छोड़ दिया शिष्य को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच बजरंग पुनिया जी, आपके खेमे में तो आज मैला लूटा जाएगा क्योंकि यूपी दंगल यहाँ जीत रहा है। ओवर टू यू गाइस।